चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन में एचपीएससी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना। आज एचपीएससी मेंबर की शपथ लेंगी सोनिया त्रिखा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सोनिया त्रिखा को राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे। वहीं बंडारू दत्तात्रेय इस दौरान पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगा। वहीं समारोह में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। खबर सामने आ रही चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राजभवन में एचपीएससी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना। एचपीएससी मेंबर की शपथ लेंगी सोनिया त्रिखा। वहीं राज्यपाल सोनिया त्रिखा को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होगा। वहीं समारोह में सीएम मनोहर लाल भी शामिल रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, राजभवन में एचपीएससी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना। आज एचपीएससी मेंबर की शपथ लेंगी सोनिया त्रिखा। राज्यपाल सोनिया त्रिखा को शपथ दिलाएंगे। वहीं पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगा। वहीं समारोह में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से, राजभवन में एचपीएससी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। सोनिया त्रिखा को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे सोनिया त्रिखा की क्या कुछ भूमिका अहम होने वाली है। वहीं इसी दौरान राज्यपाल उन्हें आज शपथ दिलाने वाले का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, सोनिया त्रिखा जो है वो इससे पहले हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी और उन्होंने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कल सोमवार को ही मंजूर हुई है और इसके बाद आज उन्हें एक और नई जिम्मेदारी के तौर पर हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है और करीब 12 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ समारोह रखा गया है। इस शपथ समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोनिया त्रिखा को एचपीएससी के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे और इससे पहले जो सोनिया त्रिखा खुल्लर है वो टीजी हेल्थ के पद पर थी और 2 साल अपनी सेवा के खत्म होने से पहले उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। जी वही पवन जी, यहाँ पर सब ये खबर सामने आ रही थी कि सोनिया त्रिखा ने स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है वो गृह मंत्री अनिल विज के साथ नाराजगी के चलते ली थी। वहीं क्या कुछ कारण निकलकर सामने आए कि किस कारण से इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? देखिए, जो नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, हरियाणा लोक सेवा आयोग में उनको सदस्य नियुक्त किया गया है जिसका आज पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह 12 बजे होने जा रहा है। इसके लिए उन्हें जो है वीआरएस लेना था, चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ही वो इस पद को ग्रहण कर सकती है। इसी के चलते उन्होंने आज वीआरएस के लिए आवेदन किया और उसके बाद सरकार ने उसे सोमवार को मंजूर करते हुए उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी है। दरअसल गृह मंत्री जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी अनिल विज, उनसे जो विवाद का मामला है वो जरूर विवाद रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की 2 बार मुलाकात हुई थी और अभी विवाद एक तरीके से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद खत्म हो चुका है। लेकिन ये आज जो उनको सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, ये इससे कोई उनकी गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के साथ जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये एक अलग जिम्मेदारी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है और आज उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ 12 बजे दिलवाई जाएगी और इस पद को ग्रहण करने से पहले उन्हें जिस भी वो पहले सेवा में थे उस सेवा से वीआरएस लेना ही था, लिहाजा उन्होंने अपना वीआरएस आवेदन किया था और सोमवार को यानी कल उनकी वीआरएस को मंजूरी सरकार ने दे दी है और अब नई जिम्मेदारी के तौर पर सोनिया त्रिखा को हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। लेकिन फिलहाल उनकी औपचारिकता के तौर पर जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो आज 12 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में होने जा रहा है। जी जी पवन सिवर जी, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। सोनिया त्रिखा को राज्यपाल शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे।